इस सामुदायिक पुलिसिंग एवं जनसंवाद के कार्यक्रम में उपस्थित आम जन, बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हमारे माता पिता के समान हैं, प्यारे बच्चों बहनों एवं जमुई पुलिस के वरीय पदाधिकारीगण, सीआरपीएफ के पदाधिकारीगण, गिरिडीह पुलिस से आए हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं मीडिया के सारे लोग, अन्य सामाजिक कार्यकर्ता, वो बच्चियां जिन्होंने यह बेहद सामाजिक स्तर पे जो अपनी प्रतिभा मुझे दिखाई है, आप सभी को मेरा अभिनंदन। देखिए, इतने दूर सुदूर क्षेत्र में बार बार इसका आयोजन कराना हम लोगों के लिए कठिन रहता है, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि हम साल में एक बार ही इस प्रोग्राम को करा पा रहे हैं, पर जो परिस्थितियां यहां पे दिखती हैं, जो जरूरतें लोगों की मुझे दिखती हैं, उसके बाद यह कहना उचित रहेगा कि साल में कम से कम दो बार तो यहां पर सामुदायिक पुलिसिंग का कार्यक्रम करना आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार एवं पुलिस महानिदेशक बिहार पुलिस, इनके द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम आयोजन करने के लिए जो भी फंड्स, जो भी पैसे या योजनाएं जमुई पुलिस को दी जाती हैं, उसके तहत हम लोग हमेशा यह सुनिश्चित कराते हैं कि आप लोगों की जरूरतों से संबंधित जो भी चीजें हों, पहले पूर्व के 10-15 दिन उसकी जानकारी इकट्ठा कर लें और उसके बाद उसी के तहत हम लोग सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन करें, क्योंकि जो चीजें हम आपको देते हैं हो सकता है कि उसकी प्रयोग, उसके उपयोग आपको नहीं हो, इसलिए हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आप लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं उनको आप लोगों में हम बांट सकें। आज जो ये आपको आंखों का जांच का शिविर चल रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि कई बूढ़े माताएं बहनें हमारे यहाँ पे हैं, बूढ़े माता पिता हैं, उनको मोतियाबिंद की समस्या रहती है। मैं बता दूं कि मैं आपको एक चिकित्सक भी हूं, एक डॉक्टर भी हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोगों को क्या समस्या रहती है, जो दूर सुदूर क्षेत्र में जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं उनको क्या दिक्कतें रहती हैं, क्या उनके शारीरिक चीजों में दिक्कतें रहती हैं, उसी को देखते हुए चाहे आपको अनीमिया हो, आंखों की कोई दिक्कत हो, उस सभी में हम लोग प्रयासरत हैं। आप यहाँ पे अपने आंखों का चेकअप करा लीजिए, उसके बाद जो आपको पावर इन लोग के द्वारा बताया जाएगा, जो चीजें आपको देखने में दिक्कत होती हैं, हम लोग आपको सस्ते दर पर स्वयं ही खुद से जो आई ग्लासेस है वो भी हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि अभी पूर्व में जो सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे भाषण दे रहे थे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बाद में वो आपको बता दें कि मेरे द्वारा जो हिंदी में या इंग्लिश में जो चीजें बताई जा रही हैं वो क्या बताई जा रही हैं, ताकि आप लोग उसको समझ सकें। एक बार बता दीजिए हम क्या कह रहे हैं। तो जो आंखों का आप लोग चेकअप करा रहे हैं, हम लोग आई ग्लास भी उसका बनवाएंगे। पूर्व में हम लोग के द्वारा यह नहीं किया गया था, लेकिन मुझे यह लगता है हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसके पश्चात यह निर्णय लिया है कि हम आप लोगों को, क्योंकि हम लोग के पास उसकी योजना के अनुसार पैसे भी रहते हैं, हम लोग उसके तहत आप लोगों को आंखों का चेकअप के बाद जो आई ग्लास है वो भी देंगे। उसी के तहत क्योंकि ठंड है, ठंड बढ़ती जा रही है और ये खुला आपको एरिया है, काफी तेज हवा बह रही है, इसके लिए हम लोगों ने अन्य सामग्रियों का भी यहाँ पे व्यवस्था की है जो आप लोगों को हम देंगे। मैं कम शब्दों में आपसे यही कहना चाहूंगा कि बिहार सरकार एवं जो बिहार पुलिस है वह यह चाहती है कि आप लोग जो मुख्य धारा है उससे जुड़े रहे, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन सभी के साथ अपना संवाद स्थापित करके रखें, और जो भी नक्सल गतिविधि से जुड़े पहले के लोग हैं, जो अभी के समय में सक्रिय नहीं है लेकिन निरंतर हम लोगों को यह सूचना आती रहती है, चाहे वो अर्धसैनिक बल के हो, आईपी हो या अन्य खुफिया एजेंसी हो, हम लोगों को यह सूचना आती रहती है कि उनके द्वारा लगातार आप लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मैं यहाँ पे अपने नाम का डंका बजाने नहीं आया, ना मैं किसी पुलिस का डंका बजाने आया हूँ कि मैं आप लोगों के समक्ष कुछ रखूं और आप लोग मुझे इतिहास में याद करें, मैं उससे सहमत नहीं होता। मैं यह चाहता हूं कि मैं कुछ भी कार्य यहाँ पे करूं तो जो भी यहाँ पे नक्सल लीडर पूर्व में जो
सक्रिय थे, जिनकी गतिविधियां यहाँ पे थी, उनकी बातों में आप लोग नहीं आएंगे, उनको संरक्षण नहीं देंगे। और यहाँ तक कि क्योंकि यह मूवमेंट या पैच जो है उनका जो एरिया है वहां पे यह मूवमेंट उनका रहता है, वो यहाँ पे सक्रिय रहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ आप लोगों से कि अगर भविष्य में वो यहाँ पे आए तो आप लोग जमुई पुलिस का सहयोग करें, अर्धसैनिक बल का सहयोग करें और उनको मजबूर करें कि वो सरेंडर कर जाएं, और या नहीं तो उनके बारे में सूचना दें ताकि हम उनको गिरफ्तार कर सकें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व के 2 साल में जब से हमारे यहाँ पे कार्यकाल रहा है, नक्सली गतिविधियों में अर्धसैनिक बलों के सहयोग से एवं सरकार के स्तर से विभिन्न योजनाओं के कारण जो नक्सली गतिविधि है उसमें आपको निरंतर कमी आ रही है और अंकुश भी लग चुका है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मुख्य सरगना है इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए वो लोग अभी भी सक्रिय हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, मीडिया जन से यह अनुरोध करता हूँ कि इसको हर जगह प्रचार करें कि हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं कि नक्सली गतिविधियों को कम किया जाए। और अगर पब्लिक यहाँ पे चाह लेगी कि ऐसी बात कभी नहीं हो तो कोई भी ऐसी घटना यहाँ पे नहीं घटेगी, और जो विकास की जो आपको धारा बह रही है उसमें आप लोग धीरे धीरे सभी लोग इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। पुलिस का कार्य रहता है कि जो भी आपको यहाँ पे विकास कार्य हो उसमें जो भी विकास कार्य करने वाले आपको संवेदक हैं या कोई अन्य लोग हैं या स्थानीय लोग हैं या स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को सुरक्षा प्रदान करें। तो मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पे जब भी भविष्य में कोई भी ऐसी विकास और कल्याणकारी योजनाएं रहेंगी तो जमुई पुलिस एवं यहाँ पे अर्धसैनिक बल जो तैनात हैं वो सभी प्रयासरत रहेंगे और सभी प्रतिबद्ध रहेंगे कि आपको सुरक्षा दे सकें। आपके सहयोग से ही जो ये दूर सुदूर का क्षेत्र है यह मुख्य धारा में जुड़ पाएगा और नक्सली गतिविधियों पे अंकुश लग पाएगा। इसी के साथ मैं आप सबको दोबारा अभिनंदन करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो भी सामग्री हमारे द्वारा दी जा रही है उनका भरपूर उपयोग करें और आगे जो जरूरतें आपकी रहेंगी हम लोग दोबारा यह कैंप लगा के आप लोगों को उसका जो मदद है वो प्रदान करने की कार्य करेंगे। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार श्रीमान आपके प्रति, आपने जो बहुमूल्य समय दिया और अपनी बातों को रखा, आपके कर कमलों के द्वारा, आपके हाथों के